हेलो जी, स्वागत है आपका हमारी सिल्क रोड ट्रिप के नए एपिसोड में। 20 दिन अपने छोटे भाई के साथ कजाकिस्तान और किर्गिस्तान घूमने के बाद हमने उसको किया बाय बाय और शुरू कर दी अपनी 8000 किलोमीटर की सोलो मोटरसाइकिल राइड मंगोलिया के लिए। आज के एपिसोड में हम आपको सिकुल लेक की साउथ साइड पे ले चलेंगे, मगर ये जर्नी यहाँ की सड़कों की तरह ही थोड़ी अतरंगी होने वाली है, तो सीट बेल्ट बांध के देखिएगा। दिस इज इट। हेलो, नमस्कार, गुड आफ्टरनून, ब्यूनस दियस, और क्योंकि हम किर्गिस्तान में हैं, सलामत सिज़बा। तो फाइनली हमारी मोटरसाइकिल राइड शुरू हो रही है। कल स्टार्ट होनी थी पर कल पूरे दिन बारिश हुई, और आज सुबह सामान लगा दिया था मैंने बाइक पे कि आज सुबह ही निकल जाऊंगा, बट आज भी बारिश रुकी नहीं रही थी। और मुझे लगा ठीक है, मतलब आगे जाके भीग जाएंगे, बट निकलते हुए शहर में ही भीगना तो सही नहीं है। तो आज का हमारा प्लान है कि हमें इसिकुल पहुँचना है। तो पिछली बार हम इसिकुल में नॉर्थ साइड पे थे, इस बार हम साउथ साइड पे जाएंगे काजी से। यहाँ से कुछ 300 किलोमीटर दूर है। बाकी सामान का क्या है कि मैं मोटरसाइकिल गियर इंडिया से ही लाया था, क्योंकि देर वर हाई चांसेस कि मोटरसाइकिल नहीं मिलेगी, बट फिर मुझे लगा अगर मोटरसाइकिल मिल गई तो मोटरसाइकिल गियर भी मिल जाएगा। बट कजाकिस्तान में बहुत ही लिमिटेड गियर था और बहुत ही ज़्यादा महंगा था, तो मुझे लगा किर्गिस्तान सस्ता है तो यहाँ से ले लेंगे। बट पूरे ऑलमोस्ट 4 या 5 दिन मैं पूरे बिश्केक में, विच इज़ किर्गिस्तान की कैपिटल, तो हर जगह भटका, बट कहीं भी ना मोटरसाइकिल बैग मिला, ना मोटरसाइकिल जैकेट मिली, ना मोटरसाइकिल की कोई कुछ भी गियर मिला। किसी को नहीं पता मोटरसाइकिल की दुकान, एक भी शॉप नहीं है। बट फाइनली परसों एक छोटी सी दुकान मिली, तो पूरे किर्गिस्तान पे अभी 2 मोटरसाइकिल जैकेट थी, 1 मोटरसाइकिल पैंट थी और 2 मोटरसाइकिल ग्लव्स थी। तो 60% जो इन्वेंट्री है वो हमने खत्म कर दी, मतलब जैकेट ले लिया, पैंट ले ली और ग्लव्स ले लिए। एक और जैकेट थी वो थोड़ी सी छोटी थी, बट जो मिला वही सही, और ठीक है, 9000 रुपये में तीनों चीज़ें आ गई, विच इज़ डिसेंट। चलो फिर शुरू करते हैं। Is regular gasoline. Fire up a bone while I'm swerving home, blowing smoke like a Model T. खूबसूरत नजारे। तो लास्ट टाइम सीधा गए थे सोमकुल के लिए, अभी हम लेफ्ट लेंगे, और एकदम सही टाइम पे रिजर्व में आ गई है, तो आई थिंक वापस जाके पहले पेट्रोल डला लेना चाहिए, नहीं तो फंस ना जाए। So I'm running on fuel. I'm running on fuel. It's all I can do to get up and make it through. हम आ गए हैं साउथ साइड में इसिकुल की, सनसेट होने वाला है और आपको दिखाते हैं प्रकृति की अनमोल चीजें दिखाती है वो। अरे ग्लव ही गिर जाता साला बार बार। ये हैं हम, और वो देखिए, वो देखिए, वो देखिए, ये तो लग रहा है रेनबो की रार फाइल है, मतलब इसे ऐसे अभी कंप्रेस कर, अनजिप करेंगे तो पूरा रेनबो ऐसे खिल उठेगा। क्रेजीनेस, आचा मामा, मदर नेचर, यूहू। बिल्कुल भी पेट्रोल नहीं है टंकी में, तो लग गई लंका। क्यों, कैसे कर लेता हूँ यार मैं ये सब, मतलब बिल्कुल भी नहीं है, छनक ही नहीं रहा है। शिट यार, डे वन में भी आए सिट है तो आई सिट है होल्ड दिस। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग फ्रॉम अ पेट्रोल पंप। तो फाइनली हम पेट्रोल पंप पहुंच गए। तो थोड़ा सा बता देते हैं आपको कि कल क्या हुआ, कल क्या मिस एडवेंचर हो गया। तो मोटरसाइकिल तो रिजर्व में आई गई थी, मगर गूगल मैप पे दिखाया कि एक पेट्रोल पंप है कुछ 30 किलोमीटर दूर, और मुझे लगा रिजर्व में 30 किलोमीटर तो चली जाएगी, और 30 किलोमीटर चल गई थी वो, बट वो 30 ही किलोमीटर चली थी, और जो पेट्रोल पंप था वो पेट्रोल पंप नहीं था।
मतलब गूगल मैप पे दिखा रहा था बट असली में पेट्रोल पंप नहीं था। और यहाँ पे ना ये गूगल मैप की जगह दे यूज सम रशियन मैप 2GIS, तो वो ज्यादा एक्यूरेट होता है। ऐसा ऑलरेडी हमारे साथ अलमाती में भी हो गया, जब हमने 3-4 पेट्रोल पंप ढूंढे और पेट्रोल पंप थे ही नहीं, गूगल मैप पे दिखा रहा था। बट एनीवेज, तो वहां से ये वाला जो पेट्रोल पंप है जहाँ पे मैं फंस गया था, वहां से कुछ 14-15 किलोमीटर दिखा रहा था। तो फिर एक ट्रक रुका, उसमें दो भाई लोग थे, तो दो भाई लोगों ने बोला कि तुम एक काम करो ट्रक में डाल दो। तो भैया अगर संक्षेप में बताएं तो हुआ यूं कि हमारी मोटरसाइकिल थी नई और उसमें फ्यूल मीटर भी नहीं, तो हमें लगा कि 250 किलोमीटर तो चली जाएगी फुल टैंक में। मगर अफसोस ऐसा नहीं हुआ और रात को 9:30 बजे हम एक सुनसान रोड पर अकेले फंस गए। किस्मत अच्छी थी कि दो ट्रक वाले मिल गए जिन्होंने हमें और हमारी मोटरसाइकिल को अपने साथ बैठा लिया और फिर बढ़िया मिथुन के गाने सुनते हुए हम निकल गए पेट्रोल पंप की तलाश में। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ये सवेरे पेट्रोल पंप कैसे पहुंचा। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम एडवेंचर नहीं ढूंढते तो एडवेंचर हमें ढूंढ लेता है। अब शायद पूरी दुनिया के ट्रक ड्राइवर गदर पिक्चर के फैन हैं कि एक मोड़ आया और वो मुड़ गए, जबकि रास्ता तो सीधा था। जब मैंने पूछा कि भैया कहाँ जा रहे हो, तो गूगल ट्रांसलेट के थ्रू कहते हैं कि वी आर गोइंग टू ईट हॉट वाटर। मैंने बोला ओके, तो मी जॉल खाबो। वहां पहुंच के पता चला कि वो एक्चुअली हॉट वाटर से नहाने जा रहे थे और उसके बाद वो खाना खाएंगे और फिर हम पेट्रोल पंप जाएंगे। तो हम सभी पहुंच गए गर्म पानी से नहाने। सॉरी, आई थिंक सेंट्रल एशिया में और मिडिल ईस्ट में भी ये पब्लिक सोना वाला काफी सीन होता है। तो ये बहुत लोकल होते हैं, मतलब सिमिलर टू कुंड, बट इसमें क्या है प्रॉपर ऐसा बाटप वाटप बने हुए थे। और मैं घुसा तो वहाँ, मतलब अंकल लोग तो पूरा ही नंगे नहा रहे थे। मैंने कहा ये तो काफी ऑकवर्ड है। अब जब नहा धो के निकले तो हमें पता चला कि ड्राइवर साहब ने ट्रक की चाबी ट्रक में ही छोड़ दी है और ट्रक लॉक हो गया है, वो ट्रक जिसमें हमारी मोटरसाइकिल भी थी। हमारी दुविधा देखते हुए और भी ड्राइवर आ गए और फिर शुरू हुई मशक्कत लॉक खोलने की। फिर YouTube पे रशियन में हाउ टू ओपन लॉक डोर के कुछ वीडियोस देखे और फाइनली किसी तरह गाड़ी का शीशा खोल के दरवाजा अनलॉक कर लिया। शीशा निकाल लिया गया, फाइनली निकली चाबी। ओके, ये यूहू। रात काफी हो गई थी इसलिए हम वहीं एक यूर्ट पे रुक गए और अगले दिन इन्होंने मुझे और मेरी मोटरसाइकिल को एक पेट्रोल पंप पे उतार दिया और हम फाइनली निकल गए अपने पहले दिन की डेस्टिनेशन की तरफ, काजी से। You canal, да? Huh? Твой канал. Yeah. Alex. Yes. Okay. Hello, G. We are in काजी से। So, काजी से हम वापस आ गए थे और बहुत ही खूबसूरत सनसेट होने वाला है। मतलब पूरा दिन इतना ज़्यादा क्लाउडी था, रेनी था, और अचानक से वहाँ छोटा सा विंडो है बादलों के बीच में, और अभी 8:15 हो रहा है और सूरज अचानक से ऐसे निकला है ना, फट के फ्लावर हो गया लाइक लिटरली। और सब कुछ अभी ना बड़ा ऐसे ड्रामेटिक सा था, सीरियस सा था, बिकॉज ये यहाँ के बीचेस भी वैसे हैं, मतलब थोड़ा अजीब से बीच है, एकदम रेड रेड बीच है। बट जैसे ही सनलाइट आई ना, क्योंकि पीछे देखिए आप, वहाँ पे बर्फ के पहाड़ भी हैं और ये रॉकी रॉकी माउंटेन्स हैं और ये बीच है, अचानक से एकदम सब ऐसा ग्लो हो गया ना, मतलब वाओ। बट सही है, सो काजी से मैं, यहाँ पे एक होटल है ताज अल्टिन करके, तो वो किसी इंडियन का ही है। वहाँ पे मैं चला गया, बढ़िया चाय वाय पिला दी उन्होंने और ऐसा अचार चार भी रखा हुआ था, और बिकॉज इंडिया से आए हैं तो बहुत ही बढ़िया हॉस्पिटैलिटी हो रही है। तो मैं आया तो सिर्फ चाय वाय पीने ही था, बट फिर मैं रुकी गया। तो काजी से मैं 5 साल पहले आया था, तो वहाँ पे उधर एक होटल है, वहाँ पे रुका था। जैसे ही मैं आया एकदम वो ऐसा नॉस्टैल्जिया सा हिट हुआ। मैं ट्राई कर रहा था जो मैंने एक वीडियो बनाया था इन किर्गिस्तान 4 साल पहले 4.5 साल पहले, तो मैं ट्राई कर रहा था कि वो जो उसमें कुछ कुछ फ्रेम्स है ना, वही फ्रेम्स ढूंढने के। बट सही है, मतलब इसीलिए मुझे लगा एक बार यहाँ रुक जाते हैं, वापस थोड़ा सा ऐसा नॉस्टैल्जिया लिव किया जाए। Watching the sunset on Tennessee hills, I wish I could capture it, I never will, 'cause I'm not a painter, can't stay in the lines, just sitting here sipping on dandelions. Sitting out rocking on that old porch swing.
अगले एपिसोड में हम आपको ले चलेंगे किर्गिस्तान की कुछ ऑफ रोड ट्रेल्स पे, और उसके बाद एक और बॉर्डर क्रॉसिंग के बाद हम वापस पहुंच जाएंगे कजाकिस्तान। थोड़ी सी लापरवाही की वजह से मेरी किर्गिस्तान की सारी गोप्रो फुटेज खो गई है, और अगर आप भी कंटेंट क्रिएटर हैं तो मैं यही बताना चाहूंगा कि कभी ड्रोन और एक्शन कैमरा में सेम कार्ड नहीं यूज करें। उस वजह से मेरी गोप्रो और ड्रोन दोनों की ही फुटेज थोड़ी सी खो गई है, बाकी ये सब तो चलता रहता है, मजे पूरे आने चाहिए, इसलिए तो लाइफ इज एंजॉय।